Please subscribe to my YouTube channel Pakistan Magazine for more amazing videos and share it with your friends and family. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. सबसे पहले तो मैं उर्दू में बात इसलिए करूंगा ताकि पूरा पाकिस्तान इसको समझ सके. सबसे पहले मैं बाजावड़ से आए हुए हमारे पीटीआई के जितने भी दोस्त हमारे पीटीआई टाइगर्स आए हैं सबको मैं बहुत बहुत जो है वेलकम करता हूं हाथियान मेरे होम टाउन में. और मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हर नस्ल में अल्लाह ताला एक दफ़ा मौका देता है अपनी तकदीर बदलने का. हमारे दादा की जो जनरेशन थी उनको मौका मिला और उन्होंने पाकिस्तान बना दिया. हमारे फादर्स की जो जनरेशन है वालिदैन चचा मामू उनकी जनरेशन पे इम्तिहान बड़े आए. 65 की जंग आई, 71 का जंग आया, भुट्टो जैसा लीडर भी मिला उससे भी फ़ायदा ना उठाया जा सका. लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दूसरी जनरेशन में एक बहुत बड़ा काम वैसे हुआ है और वो हुआ है पाकिस्तान को एटमी न्यूक्लियर ताकत बनाना. ये कोई मामूली बात नहीं है. क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ऐसा ज़माना आएगा कि लोग पिछले ज़माने के लोगों के पीछे बातें करेंगे. तो हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि हमारे फादर की जो दूसरी जो हमारी जनरेशन पाकिस्तान में आई है 1960s में जो बड़े हुए पड़े और फिर तकरीबन अब तकरीबन रिटायरमेंट के करीब हैं, हम नहीं कहते, कोई क्रेडिट उनसे नहीं लेना चाहते, उन्होंने भी बड़ा काम किया है. लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए. अब ये जो जनरेशन है मेरी और आपकी जो नौजवानों से मैं एड्रेस कर रहा हूँ जो तकरीबन 25 से 20 से 30 40 45 के बीच में जो यंग लॉट है यूथ जिसमें आती है जिसमें कोई काम करने का जज्बा है. देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जब बेसत हुई रिसालत आई तो 40 ईयर्स ओल्ड 40 साल वो उम्र है जब इंसान की ज़रा अकल एक ठिकाने पर आती है. लेकिन यूथ जो है वो 20 से 40 35 तक उन सबको मेरा मैसेज है कि इमरान खान एक दफ़ा जाना है, आपको आपकी जनरेशन में शायद दूसरा इमरान खान ना मिल सके. अगर आपने मुल्क को बचाना है, पाकिस्तान को दुनिया की एक सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, सियासत को छोड़ें, सियासी न्यासी छोड़ें, ये भी छोड़ें कि इमरान खान किस जमात का लीडर है. लीडर इस वक्त मुल्क में एक है, वो है इमरान खान. अगर हमने अपनी ज़िंदगी में इस मुल्क को ठीक करना है तो ये हमारे पास आखिरी मौका है. मेरी रिक्वेस्ट है तमाम ज़ात पात की पार्टियों की सियासत से बाज़ातर होकर सिर्फ एक बार इमरान खान को मुल्क का हम वज़ीर आज़म बना दें और कोशिश